वेलकम बैक टू आर सीरीज़ ऑफ़ नेवल सर्विस सब्जेक्ट फॉर नो सैनिक कैम्प ट्वेंटी ट्वेंटी टू और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फायर फाइटिंग एंड डैमेज कंट्रोल ये हमारी जो वीडियो है दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ आर नो सैनिक कैम्प की जो सीरीज़ है इसकी लास्ट वीडियो है ये आपकी और ये आपकी वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपका एन बी सी डी से पूछ लेते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है ठीक है ये आपके फिलन द ब्लैंक्स हैं तो आई जस्ट स्पीक द एंटायर लाइन राइट यू कैन जस्ट गेट द थिंग फ्रॉम योर मेथड ऑफ आइसोलेटिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम फायर इज़ नोन एज स्मूदनिंग आपने फायर ट्राइंगल के बारे में पढ़ा होगा राइट right? तीन चीज़ों से मिलकर आपका फायर ट्राइंगल बनता है इसमें से अगर हम लोग ऑक्सीजन को कट कर देते हैं फायर से तो ही बात है आपका फायर बुझ जाएगी तो अगर हम फायर सॉरी uh, अगर हम ऑक्सीजन को कट करते हैं फायर से तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मूदनिंग ए एफ़ एफ एफ एक्सटेंग्विशर इसके पास आपके वन ट्वेंटी ग्राम होता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्टलेज का अगला है आपका हीट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन आपने पढ़ा होगा कंडक्शन कन्विक्शन राइट फिर है आपका फायर फाइटर यूजेस स्प्रे या जेट नोजल्स आपने देखा होगा कि या तो स्प्रे यूज करते हैं और जब बहुत ज़्यादा फायर हो जाती है तो हेलीकॉप्टर से एक बहुत मतलब बहुत स्पीड में आपका स्प्रे की तरह बहुत आपका पानी आता है तो वह उसको जेट नोजल्स बोलते हैं फिर है आपका टीम लीडर आपका टी यूज़ करते हैं फिर आप का आता है अगला द फर्स्ट गोल्डन रूल वेयर शिप सेफ्टी इज कंसर्नड ठीक है इसको हम बोलते हैं शिप लेआउट मतलब ये आपका गोल्डन रूल में से एक है एन बी सी डी स्टैंड फॉर ये आपकी जो एब्रीवियशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है uh, मतलब ये आपका ऑलमोस्ट नाइन्टी एट परसेंट एग्जाम में पूछी ही जाती है इसका है आपका न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस एंड डैमेज कंट्रोल इंक्लूडिंग फायर फाइटिंग एंड फर्स्ट एड रिमेंबर दिस इंटायर लाइन अगला है आपका मैच करना है फायर सॉरी uh, सॉरी अगला है आपका मैच करना है द फॉलोइंग सेंटेंसेस को तो सबसे पहला है आपका जनरल फायर तो जनरल फायर के लिए आपका वाटर स्प्रे यूज़ होता है अगला है आपका ऑयल फायर ऑयल फायर के लिए आपका ए एफ 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 जिसको हम फोम भी बोलते हैं ये आपका यूज़ होता है थर्ड है आपका गैश फायर इसके लिए आपका फिरोन वन वन फोर बी टू इसका सिर्फ नाम लॉन कर लेना फिर है आपका मेटालिक फायर इसके लिए हम ड्राई केमिकल पाउडर यूज़ करते हैं और आपका इलेक्ट्रिकल फायर के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फिर है आप थ्री एलिमेंट्स बताइए फायर के और एक्सप्लेन करिए स्टारविंग स्मूदनिंग एंड कूलिंग को तो आपके थ्री एलिमेंट्स हैं फायर के हीट ऑक्सीजन एंड बर्निंग मटेरियल कहने का मतलब ये है कि ये जो तीन एलिमेंट्स हैं हीट ऑक्सीजन और बर्निंग मटेरियल ये तीन चीज़ें आपका मिलकर फायर को uh, फायर को मतलब स्टार्ट करती हैं फायर लगा सकती हैं कहीं पे, और इन तीनों में से अगर कोई एक चीज़ भी हम कट कर दें तो इससे आपका फायर को बुझाया जा सकता है स्टार है आपका जिसमें हम लोग बर्निंग मटेरियल को ही हटा दें अगर एक आपके कपड़े में आग लगी है तो उसी को हटा दो तो अपने आप कट हो जाएगा अगला है आपका स्मूदरिंग इससे हम ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर दें जैसे कभी ऐसे बोलते हैं ना कि फायर लग गई भैया कंबल डाल दो उसके ऊपर या कोई आपका भारी मोटा थोड़ा कपड़ा है उसको डाल दो तो उससे भी आपका ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाता है थर्ड है आपका कूलिंग इससे आप हीट को रिमूव कर सकते हो जैसे आपने पानी डाल दिया तो ऑब्वियसली वो आपका हीट उससे कम हो जाएगी ठंडा हो जाएगा फिर है आप एक्सटेंग्विशर बताइए जो आपकी नेवी में यूज़ होते हैं सबसे पहला है आपका नाइन लीटर ए एफ 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 एक्सटेंग्विशर सी ओ टू एक्सटेंग्विशर ड्राई केमिकल एक्सटेंग्विशर फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम अगला है आपका फोर मेजर फायर फाइटिंग सिस्टम्स बताइए जो आपका नेवल शिप में यूज किए जाते हैं सबसे पहला है आपका फायर हाइड्रेंट ये आपका सी वाटर वाला है फिर आपका है फोम मेकिंग ब्रांच पाइप हेलोन सिस्टम फेरॉन सिस्टम इंजन रूम है बेसिकली स्प्रिंकलिंग सिस्टम स्प्रेइंग सिस्टम मैगजीन स्पॉल इंजन रूम फिर आपका आता है फ्लडिंग सिस्टम ये मैगजीन या यू वी एक्सप्लोजिव कंपार्टमेंट्स का है एन बी सी डी स्टेट बताइए ऑफ्री डिनेस की तो आपका चार चार है आई गेस थ्री है ये हाँ आपका थ्री स्टेट uh, होते हैं सबसे पहला है आपका कि एक्स वाई जेड मार्किंग डोर्स एंड हैचेस विल बी क्लोज्ड देखो जब भी आपकी शिप में कभी आग लगती है तो ना इसमें ओबियसली अगर अगर आपका एक रूम में आग लगी तो इसमें प्रायोरिटी क्या होती है कि आपका उस रूम से आग ना फैले आगे तो उसके लिए आपका एक्स वाई जेड ये मार्किंग डोर्स होते हैं तो ना इसको अकॉर्डिंगली इस अकॉर्डिंग वो लोग सेट करने की कोशिश करते हैं जिससे जो आपकी फायर है वो पूरी की पूरी शिप में ना फैले तो ऐसे करके आपका तो मतलब उसमें होता है कि भैया अगर एक्स में आपकी आग लगी है तो भैया आप वाई को खोल लो जेड को बंद रखना है या ऐसे ऐसे करके मार्किंग डोर्स होते हैं तो ये पहला है आपका कि अगर आपका हाई स्टेट है तो एक्स वाई जेड मार्किंग डोर और हाचिस सबको बंद करना है अगला है आपका एक्स वाई अगर आपका एन बी सी डी स्टेट टू है तो एक्स वाई मार्किंग को हम क्लोज करेंगे जेड विल be ओपन अब यहाँ पे ओपन का मैकेनिज्म क्या है कि भैया जो लोग अंदर हैं या जो सामान अंदर है लाइक आप वहाँ से मूव कैसे करोगे तो इसके लिए भी है देख जिस इट ओपन फिर एन बी सी डी स्टेट थ्री है एक्स को क्लोज करेंगे वाई और जेड मार्किंग विल बी ओपन एन बी सी डी स्टेट वन में क्या है आपका कि बहुत तगड़ी आँख लगी हुई है ठीक है तो उसमें तीनों को बंद कर दिया है सेकंड स्टेट है कि भैया थोड़ी कम आ गए तो भैया आपका इन्होंने दो को बंद कर दिया एक को खोला है तीसरे वाले में एक को बंद कर है तीनों को दो को खोला हुआ है फुल फॉर्म बताइए एब्रीविएशन्स पहला है डी ड्राई केमिकल पाउडर ई एल एस एमरजेंसी लाइफ सेविंग अपार्टिस ए एफ 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 एक्वेस फिल्म फॉर्मिंग फोम ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी ना पूछ लेते हैं ये लोग एब्रीविएशन uh, फिर आपका डी सी एच क्यू डैमेज कंट्रोल हेडक्वाटर एन बी सी डी न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल डिफेंस एंड डैमेज कंट्रोल इंक्लूडिंग फायर फाइटिंग एंड फर्स्ट एड अब बताइए टाइप्स ऑफ फायर कौन सी कौन सी हैं अब यहाँ पर ना हम बोल बोल रहे हैं कि फायर लगी आग लगी है तो आपने देखा होगा बहुत बार की जैसे कहते हैं ना यार पार्किंग में आग लग गई तो वहाँ पर यूजली क्या होता है पानी नहीं डाला जाता है वहाँ पे लोग क्या करते हैं उनके पास अगर सैंड है रेत है उसको डाल देते हैं फर्स्ट उस पर मतलब फ़र्स्ट प्रेफरेंस पे तो ये भी डिपेंड करता है कि आँख कहाँ लगी अगर तुम तो इलेक्ट्रिकल फायर में पानी डाल दोगे तो फिर तो हो गया काम राइट तो आपके अलग अलग टाइप है फायर के पहला जनरल फायर होता है आपका जो नॉर्मल आपका लग जाती है फिर आपका ऑयल फायर है इलेक्ट्रिकल फायर है मेटल फायर और गैशियस फायर है कि आपके गैस से मतलब कुछ ऐसे वो एलिमेंट्स बन गए हैं जिसकी वजह से आपकी फायर कॉज हो गई है अब आप राइट डाउन करिए वाटर टाइट गैस टाइट और रिस्क कंट्रोल मार्किंग तो आपके थ्री वाटर टाइट कंट्रोल मार्किंग है जो आपका पहला है एक्स जिसको एक्सरे कहते हैं वाई यांकी और जेड जुलू ये तो आपके वही हो गए वीडियो कॉल इट फोनेटिक अल्फाबेट्स ठीक है लेकिन बस इसमें एक्स वाई जेड है तो वही है ये लोग अपने अकॉर्डिंग यार इन्हें अरेंज करते हैं फिर आपके थ्री गैस टाइट मार्किंग है ए एम आर ठीक है अलग अलग है फायर ट्राइंगल को बताइए फायर ट्राइंगल कंसिस्ट करता है तीन चीज़ों के एयर हीट एंड बर्निंग मटेरियल और यहाँ पे अगर आप एयर ना लिख के ऑक्सीजन लिखोगे ना टू बी मोर स्पेसिफिक तो ये आपको थोड़ा मतलब बेटर आ, बेटर रहेगा मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में तो हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है ये कुछ बेसिक्स थे जो मैंने आपको बताए उनको आप ध्यान रखिएगा जैसे एन बी सी डी हैं और चंद चीज़ें और बताई तो आ, मिलते हैं ये हमारी लास्ट वीडियो थी एज अ टोलडियो बिफोर और अब नेक्स्ट जो हम वीडियोस बनाने वाले हैं दे विल प्राइमरिली बी ऑन योर रिपब्लिक डे कैंप जो लोग आपका रिपब्लिक डे कैंप अटेंड करना चाहते हैं और uh, कैसे उसके लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं और बेस्ट क्रेडिट के लिए क्या है क्या प्रोसीजर है और मटीरियल आप कैसे और कैसे एक्सेस कर सकते हैं राइट वी विल ट्राई टू वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू ठीक है द बेस्ट विद डैट और uh, मिलते हैं अगली वीडियो में right baki uh, all the best for your osanic camp and i just hope that you guys make it out till then take care Jai